यादृच्छिक चर या फिर रैंडम वेरिएबल। तो अब हम रैंडम वेरिएबल इस नाम का उपयोग करेंगे। काफी आसान होगा चीजों को समझना इससे कि यदि किसी चर का मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर है तो उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं या यादृच्छिक चर कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। इन मानों के संबंध में हम पहले से कुछ कह नहीं सकते, और यादृच्छिक चर जो होता है यह वास्तविक संख्याएं होती है। अगर उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण यदि हम उदाहरण समझना चाहें कि दो सिक्कों के एक युग्म को उछालने पर हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो हम हेड की जो संख्या है उसको चर एक्स से दर्शाएं। तो एक्स द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो मान है या शीर्षों की संख्या जो है उसके संबंध में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम यह कह सकते हैं कि यहाँ जो यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है एक्स है, वह तीन मान ग्रहण कर सकता है, या तो शून्य होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा। देखिए क्या बोला गया कि दो सिक्के को टॉस करना है ना, तो हेड आ सकता है, पहले बात हेड नहीं आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। एक सिक्के में हेड आ सकता है तो वो एक हो जाएगा। दोनों के दोनों सिक्के में हेड आ जाएगा तो ये दो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ये तीन वैल्यू ऑप्ट कर सकता है, 0, 1 और 2। तो एक्स का जो मान है पूर्ण रूप से संयोग पर आधारित होता है, इसलिए हम एक्स को रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर कहते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको कि दो सिक्के के एक युग्म को हम उछालते हैं, दो सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, और उसके लिए हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो हम इस लिखेंगे एस इज इक्वल टू, जैसे सेट नोटेशन हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, एच एच टी टी एच टी और टी एच। एच एच का मतलब है दोनों सिक्कों को उछालने पर पहले और दूसरे सिक्कों में हेड आ रहा है, टी टी का मतलब है पहले सिक्के में भी टेल और दूसरे सिक्के में भी टेल, एच टी का मतलब है पहले सिक्के में हेड दूसरे सिक्के में टेल, और टी एच का मतलब है पहले सिक्के में टेल आ रहा दूसरे में हेड आ रहा है। तो अगर हम इसकी कार्डिनालिटी लिखें एन ऑफ एस, तो ये हमें मिल जाएगा 4, क्योंकि 4 अवयव है। प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या यदि शीर्षों की संख्या चर एक्स से निरूपित की जाए तो एक्स मानो 0, 1, इन तीन मानों को ग्रहण करने वाला एक रैंडम वेरिएबल है या यादृच्छिक चर है। तो इस यादृच्छिक प्रयोग को या रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम एक रैंडम वेरिएबल एक्स लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं प्रतिदर्श बिंदु सैंपल पॉइंट, और प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक तीसरा कॉलम लेते हैं। तो हेड आने की या हेड आना जो है उसे हमने एक्स के साथ एसोसिएट किया है रैंडम वेरिएबल एक्स के साथ में। तो अगर हम उसको 0 लिखें तो उसके रिस्पेक्ट में जो सैंपल पॉइंट होगा, प्रतिदर्श बिंदु होगा, वो क्या होगा? टेल टेल होगा, क्योंकि हमने कहा है कि हेड आएगा तो वो हमारे लिए एक्स है। तो यहां पर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या क्या है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। वहीं पर यदि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है, मतलब एक हेड आने वाली स्थितियां कौन कौन सी होगी, एक एक ऑर्डर्ड पेयर होगा हेड टेल और दूसरा होगा टेल हेड। तो यहां पर कुल 2 प्रतिदर्श बिंदु हैं, 2 सैंपल पॉइंट है। और अगर हम बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो ये एक ही स्थिति होगी हेड हेड, जब हमें दोनों सिक्कों पर हेड मिलेगा। तो इस तरीके से इस प्रतिदर्श बिंदु की संख्या क्या है? 1। तो अगर हम सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का योग निकालते हैं तो ये हमें मिलता है 4, जो कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट के इक्वल है, काउंट के इक्वल है। तो इस तरीके से हम यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है, यादृच्छिक चर जो है, यह एक फलन है, यह एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो डोमेन जो होगा ये सैंपल स्पेस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन
कि जो एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस से आ रहे हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जो रैंडम फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके लिए, और इसका जो कोडोमेन है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ऋणेतर पूर्णांक संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि है सैंपल स्पेस, तथा सहप्रांत कोडोमेन जो है वो ऋणेतर पूर्णांक संख्या का समुच्चय है। यादृच्छिक चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उसे दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है विविक्त यादृच्छिक चर या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा है संतत यादृच्छिक चर या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले हम बात करते हैं विविक्त यादृच्छिक चर की या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। यदि यादृच्छिक चर एक्स परिमित संख्या में या गणनीय अनंत संख्या में मान ग्रहण करे तो एक्स को विविक्त यादृच्छिक चर कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, एक्स की अगर कोई वैल्यू है जिसे आप काउंट कर सकते हो जो कि फाइनाइट है, तो उस तरीके का जो चर है वह विविक्त यादृच्छिक चर कहलाएगा। यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के मान को सामान्यतः एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन परिमित स्थिति में और x1, x2, x3 ये डॉट 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 लगा करके हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, यह गणनीय अनंत स्थिति में लेते हैं। तो x1, x2 अप टू xn अगर लिखा गया है तो सामान्यतः परिमित स्थिति है जिस फाइनाइट सिचुएशन है, और काउंटेबल इनफाइनाइट है तो उसको हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, x1, x2 अप डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कि तीन सिक्के को एक साथ अगर हम उछालते हैं तो प्राप्त शीर्षों की जो संख्या है यह विविक्त यादृच्छिक चर है, फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर इसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिखें तो कुल आठ अवयव होंगे क्योंकि तीन सिक्के हैं, दो का घात तीन बराबर आठ, पावर सेट हमने देखा था समुच्चय सिद्धांत में। तो इस तरीके से इसमें आठ अवयव मिलेंगे, और वो कौन कौन से होंगे, एस इक्वल टू ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना यहाँ पर, एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी एच एच टी टी एच और एच टी टी और टी एच टी। तो इस तरीके से कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू टू का पावर थ्री, दैट इज इक्वल टू एट। यदि शीर्षों की संख्या कैपिटल एक्स से दर्शाएं तो एक्स मानो शून्य एक दो तीन, इसको यह ग्रहण करने वाला एक विविक्त यादृच्छिक चर है। फिर से इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यादृच्छिक चर एक कॉलम होगा, दूसरा प्रतिदर्श बिंदु या सैंपल पॉइंट, और तीसरा प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, सैंपल पॉइंट का काउंट। यादृच्छिक चर की जो वैल्यू है वह हम जीरो लेंगे। ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है यह क्या शीर्ष आने की स्थिति है, तो अगर शून्य आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिदर्श बिंदु में केवल एक ही बिंदु होगा जो कि है टी टी टी। तो इस प्रकार इसके इससे संगत प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक है, और जब यादृच्छिक चर एक्स का मान एक होगा तो इसका मतलब क्या कि एक हेड आना चाहिए। अब एक हेड आने वाली कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एच टी 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 एच और टी एच टी, ये तीन स्थितियां हैं। तो ये प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या जो होगी ये तीन हो जाएंगी। यादृच्छिक चर x का मान दो अगर है तो इसका मतलब क्या कि दो हेड होने चाहिए। तो इसके लिए ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बनेगा, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, इस तरीके से प्रतिदर्श बिंदुओं की जो संख्या होगी ये तीन होगी। अब बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू अगर तीन है तो इसका मतलब क्या कि तीन हेड आने चाहिए तीन सिक्कों को टॉस करने पर, तो ये एक ही स्थिति होगी हेड हेड हेड। तो इस प्रकार प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या जो होगी वो एक होगी। अब सभी प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या को अगर हम योग करते हैं तो आपको मिल जाता है आठ। तो इस तरीके से कार्डिनालिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एट, ऊपर में जो हमें मिला था वो इस तरीके से क्रॉस टैली हो जा रहा है।
अब बात करते हैं संतत यादृच्छिक चर की या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। यदि किसी दिए गए अंतराल में यादृच्छिक चर x प्रत्येक मान को ग्रहण करे तो x को संतत यादृच्छिक चर कहते हैं। अर्थात यदि कोई चर x किसी बंद अंतराल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में अनंत मान ग्रहण करता है तो वह संतत यादृच्छिक चर है तथा इन बंटनों को संतत बंटन कहते हैं। उदाहरण के लिए y इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, यह एक संतत बंटन है क्योंकि अंतराल क्लोज इंटरवल 0 to π इसके मध्य में x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर यह पहुंच सकते हैं कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को अगर हम 2 बार लगातार क्रम से उछालने पर हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यदि एक्स प्राप्त शीर्षों की संख्या को निरूपित करता है तो एक्स एक यादृच्छिक चर है और प्रत्येक परिणाम का जो मान है वो कुछ इस प्रकार होगा। एक्स ऑफ एच एच, इसमें 2 हेड हैं, एक्स ऑफ एच टी दैट इज इक्वल टू 1, एक्स ऑफ टी एच दैट इज इक्वल टू 1 और एक्स ऑफ टी टी दैट इज इक्वल टू 0। एक ही प्रतिदर्श समष्टि एस पर एक से अधिक यादृच्छिक चर हम परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वाई। वाई सैंपल स्पेस एस के प्रत्येक परिणाम के लिए शीर्षों अर्थात हेड की संख्या से पुच्छों या टेल की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। तो इसे हम लिखेंगे y ऑफ एच एच, हेड जितना काउंट आ रहा है उसमें टेल जो काउंट आ रहा है उसको घटाना है। तो यहां पर तो 2 हेड है और टेल 0 है तो 2 ऋण 0 = 2। और y ऑफ एच टी, इसमें बराबर हो जाएगा, एक हेड आया और एक टेल आया तो 1 - 1 दैट इज 0। अब y ऑफ टी एच, तो इसमें भी एक हेड है माइनस एक टेल है तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। और अब वाई ऑफ अगर टी टी लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा, हेड की संख्या क्या है 0 और टेल की संख्या क्या है 2, तो 0 - 2 तो ये -2 हमें मिल जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर हम एक से अधिक यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल को हम परिभाषित या फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि एस पर एक्स और वाई दो भिन्न भिन्न यादृच्छिक चर हमने परिभाषित किया था। एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यादृच्छिक चर के सभी मानों तथा उनके संगत प्रायिकताओं को दर्शाने वाला बंटन एक प्रायिकता बंटन कहलाता है। सरल शब्दों में ये कहूं तो आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में हम रैंडम वेरिएबल को लिखेंगे और रैंडम वेरिएबल की हम प्रायिकता लिखेंगे। तो इस तरीके से एक टेबल बनेगा, इसी को हम प्रायिकता बंटन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। माना यादृच्छिक चर x के विभिन्न मानों x1, x2, x3 अप टू xn के संगत प्रायिकताएं क्रमशः p1, p2, p3 अप टू pn है। तो प्रायिकता बंटन में दो स्थितियां होंगी या दो नियम हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। पहला ये कि प्रत्येक प्रायिकता ऐसी ऋणोत्तर संख्या होती है जो एक से बड़ी ना हो। अर्थात प्रायिकता में जो हमें संख्या मिलने वाली है वो नॉन निगेटिव होगी और उसका मान 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती और घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। तो इसे हम लिखेंगे कि 0 < p i < 1, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। पी आई, आई का जो मान है एक से लेकर के एन तक का हो सकता है और जो p1, p2, p3 अप टू pn जो मिलेगा उन सब का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच की संख्या ही होगी, इसके बाहर की संख्या नहीं होगी। दूसरा यह है कि सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वह 1 होता है। अर्थात p1, p2, p3 अप टू pn सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। और इसे अगर हम शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहें तो लिखेंगे समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n p i = 1।
तो अगर इसे परिभाषित करना हो यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन को, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित निकाय होती है। वो कैसे निकाय होते हैं? कुछ इस तरीके से, देखिए दो रो बनेंगे जिसमें हम x लिखेंगे और दूसरे में p ऑफ x लिखेंगे, और कैपिटल x जो है वो वैल्यू ले सकता है x1 x2 अप टू xn। तो उसी के संगत p ऑफ x1 जो होगा उसको हम कैपिटल p1 लिखेंगे, p ऑफ x2 होगा उसको p2 लिखेंगे, और इसी तरीके से p ऑफ xn जो होगा उसको pn लिखेंगे। यहां पर पी आई इस जो होगा जो पी आई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n पी आई इज इक्वल टू 1 होगा। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो हेड या शीर्ष की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि एक सिक्का अगर हम 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 सैंपल पॉइंट्स होंगे, 2 का पावर 3। अब ये क्या क्या होगा आप सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट ना लिख करके हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम 4 कॉलम लिखेंगे, और मैं लिख रहा हूं कि एक्स जो है वह एक रैंडम वेरिएबल है जो कि हेड आने को प्रदर्शित करता है। तो हम एक कॉलम बनाते हैं एक्स जिसमें 0 1 2 3। अब 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो अधिकतम 3 हेड हमको मिल जाएंगे, न्यूनतम 0 0 1 2 और 3, तो इस तरीके से होगा। अब हम एक्स की वैल्यू अगर 0 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है, तो उसके लिए हम सैंपल पॉइंट देखते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा टेल टेल टेल, और इसके संगत मतलब इसकी संख्या कितनी है? 1। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगला एक कॉलम बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या है? टोटल कितने अवयव हैं? 8, 8 अवयव हैं, तो उसमें से ये एक है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 3 सिक्के को टॉस करने पर हमें एक हेड मिलना चाहिए, तो इसके लिए 3 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा HTT, THT और TTH। तो इन तीनों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल एक हेड है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट होंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी अर्थात पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3/8। इसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या कि सिक्के को उछालने पर 2 बार हेड आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिखते हैं सैंपल स्पेस से HHT, HTH और THH, ये 3 अवयव हो जाएंगे, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। ये 3 अवयव हो गए, और कुल संभव जो पॉसिबिलिटी है या ऑर्डर्ड पेयर जो था या सैंपल स्पेस का एलिमेंट है वो 8 है। अब हम x की वैल्यू अगर 3 लेकर के चलते हैं, इसका मतलब क्या कि हेड कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है, तो ये केवल एक ही ऐसी स्थिति है हेड हेड हेड, ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, और इस सैंपल पॉइंट का काउंट है 1, तो इसके घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। तो इस तरीके से ये प्रश्न को हमने सरल किया जहां पर हमने एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो प्रायिकता आ रही है उसका हमने बंटन सारणी तैयार किया। अब दूसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, यहां पर लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सी एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है और कौन सी संभव नहीं है, कारण भी स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने 2 नियम पढ़े थे, पहली बात ये कि पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 का ये एलिमेंट होगा। अब दूसरी बात ये कि सभी प्रायिकताओं का योग जो होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है? ये 2 कंडीशंस को हम चेक करेंगे दिए गए प्रश्नों में। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें एक टेबल है और एक्स की वैल्यू 0 1 2 और उसके संगत पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/3 1/3 और 1/3। तो हम इसके संगत जो प्रायिकता है इसका योग लिख लेते हैं पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 का। तो 1/3 + 1/3 + 1/3
एलसीएम आएगा 3 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है, ये कोई भी मान शून्य और एक से बाहर नहीं है, मतलब क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग करता है, तो इसलिए यह प्रायिकता बंटन संभव है। दूसरा बंटन देखते हैं, एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और उसके संगत पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.4, 0.5, 0.2 और -0.1। तो यहां पर आप एक ही चीज को देख करके इसको निगलेक्ट कर सकते हो, वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये -0.1 है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और दूसरे तरीके से अगर आप इस सभी प्रायिकताओं का योग करें, 0.4, 0.5, 0.2 और -0.1, तो उसका योग तो एक आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स जो है, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये निगेटिव नंबर है जो कि संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि उक्त प्रायिकता बंटन के लिए यादृच्छिक चर एक्स संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, तो सेम एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर वाई, जिसकी वैल्यू है 3, 2, 1, 0 और -1। तो उसके संगत जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5, 3 के संगत, 2 के संगत 0.2, 1 के संगत 0.1 और 0 के संगत 0.2 और -1 के संगत 0.6। तो जो प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.2, 0.1, 0.2 और अगेन 0.6, यह मान तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसका योग करते हैं तो पी ऑफ वाई जो है, या पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -1, इन सब को जोड़ने पर आपको मिल जाता है 1.6। और 1.6 जो कि 1 से बड़ा है, तो इस स्थिति में भी हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रायिकता बंटन है यादृच्छिक चर वाई, यह संभव नहीं है। तो प्रश्न दिया गया है कि एक यादृच्छिक चर एक्स के संगत प्रायिकता बंटन निम्नानुसार है। दो रो बना हुआ है, एक है एक्स और दूसरा है पी ऑफ एक्स। तो एक्स का मान जब शून्य है तो पी ऑफ एक्स का मान के है, इसी तरीके से एक्स का मान 1 तब पी ऑफ एक्स का मान 2 के, एक्स का मान 2 तब पी ऑफ एक्स का मान 0, जब एक्स का मान 3 है तब के का मान, पी ऑफ एक्स का मान के स्क्वायर है। और इस प्रकार ये प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वह ये कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सभी बारंबारताओं का जो योग है वह 1 आता है, तो इसका मतलब है ये कि सिग्मा पी ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ये हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो पहला मान जो है ये के है, दूसरा मान के टू है, तीसरा मान है 0, चौथा मान है के स्क्वायर, पाँचवा मान है 2 के स्क्वायर, पाँचवा उसका अगला मान है के स्क्वायर और फिर ये 0। सबको जोड़ने पर 1 मिलेगा। देखिए 2, 3 और ये 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 के स्क्वायर। अब ये 2 के और ये 3 के और ये है 3 के और ये -1 इक्वल टू 0। तो के में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको हम स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 के माइनस के, तो ये 4 आ रहा है -4 और ये -1 इक्वल टू 0। दोनों से आप 4 के कॉमन लेंगे, मिल जाएगा k+1 और ये -1, अगेन k+1 इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन लेंगे k+1 और ये 4k+1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा k इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा k इक्वल टू -1/4। तो ये इसमें से देखिए कि यहाँ पर तो यहाँ से आप k+1 कॉमन लेंगे, ये
तो 4k-1 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 1/4 होगा। तो k का मान जो है वह ऋणात्मक संभव नहीं है, तो इसलिए k का जो मान 1/4 आया है यह मान सत्य होगा, क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो ऋणात्मक संभव नहीं है, शून्य से एक के बीच में ही कोई एक मान होता है। प्रश्न का दूसरा भाग यह कहता है कि यह मान ज्ञात करना है p ऑफ k इज लेस देन 3। तो इस केस में आपको ज्ञात करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। k का मान कहाँ तक होना चाहिए? 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0, 1 और 2। और 0, 1, 2 की जो संगत मान है वो रख दीजिए, p ऑफ 0 जो मिला था ये आपको k मिला है, p ऑफ 1 आपको मिला है 2k और p ऑफ 2 आपको मिला है 0। सो दिस इज नथिंग बट 3k, और k का मान आपको यहाँ से 1/4 मिला है, तो 3 × 1/4 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3/4, ये एक मान हो गया। अब इसमें अगला प्रश्न है p ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 6। देखिए शून्य को और 6 को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5, इन मानों को आप रखेंगे। तो p ऑफ 1 जो है ये आपको मिल गया है 2k, p ऑफ 2 मिला है आपको 0, p ऑफ 3 मिला है k स्क्वायर, p ऑफ 4 मिला है 2k स्क्वायर और p ऑफ 5 मिला है k स्क्वायर। तो 2, 2, 3, 4, दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 2k मान रख दीजिए, ये 4k का स्क्वायर का मतलब है 1/16 और प्लस 2 × 1/4, 4 × 16 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1/4, 2/4, सरल करेंगे मिल जाएगा 3/4। अब यहीं पर अगर ये इक्वल टू का साइन अप्लाई कर देता है तो आपको p ऑफ 0 से लेकर के p ऑफ 6 तक के, अगर ये p ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6 ये वैल्यू अगर पुट करनी होगी तो यहाँ पर आपको मान p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 अप टू p ऑफ 6 ये कैलकुलेट करना होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, दूसरे थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के तथा 3 50 पैसे के सिक्के हैं। किसी एक थैले से सिक्का गिर पड़ता है, यह 5 रुपए का सिक्का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये हम ज्ञात करेंगे कि पहले सिक्के के गिरने पर, पहले थैले में से अगर कोई एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर यही काम हम दूसरे थैले के लिए करेंगे कि दूसरे थैले से 5 रुपए के सिक्के गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और फिर हम देखेंगे कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और उसके बाद हम अभीष्ट प्रायिकता निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले थैले में 5 रुपये के 5 सिक्के 50 पैसे के 4 सिक्के, अब पहले थैले से एक सिक्के गिरने पर उसके 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, तो ये 5/9 मिल जाएगा कि पहले थैले से यदि एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी प्रकार दूसरे थैले से, अब हम दूसरे थैले की बात करते हैं,
दूसरे थैले में क्या क्या है? 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। इसी प्रकार अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि दूसरे थैले से 1 सिक्का गिरने पर उसके 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता तो कुल कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 5। तो ये आपको मिल गया 5/8। अब दोनों थैलों में से किसी एक से सिक्का गिरेगा तो दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्के गिरने की जो प्रायिकता है ती हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो थैले हैं तो उस किसी में से एक से गिरना है तो 1/2 ये प्रायिकता हो गई। और हमें जो प्रायिकता पूछी गई है कि दोनों थैलों में से अगर कोई सिक्का गिरता है तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या है, तो ये हो जाएगा 1/2, पहला वाला थैला सेलेक्ट किया गया है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी तरीके से दूसरा थैला है वो उसका सिलेक्शन होता है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। दोनों के दोनों जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं आप ऐसा कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/18 और ये हो जाएगा 5/16। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, मिल जाएगा 144 और ये होगा 40 और ये होगा 45 और सरल जब करेंगे तो मिल जाएगा 85/144। तो ये वो प्रायिकता है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न ये है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि पहला प्रश्न, उनमें से एक सिक्का में पुच आता है, दूसरा प्रश्न, उनमें से 2 सिक्कों में पुच आता है और तीसरा प्रश्न, कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष या हेड आता है, यह हमें निकालना है। और प्रश्न का चौथा भाग है, अधिक से अधिक एक सिक्का में से हेड या शीर्ष आता है। तो पहली बात यह कि 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं या 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अतः प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस S, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 × 2 × 2 तो कुल मिलाकर के 8 ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो पहली बार हम ये करते हैं कि आधे में हम हेड ले लेते हैं, 4 हेड और 4 टेल, क्योंकि 8 है तो आधे में हेड आधे में टेल, फिर 2 2 हेड 2 2 टेल 2 2 हेड और 2 2 टेल, उसके बाद 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड और 1 टेल। ये इस तरीके से ये हमने प्रतिदर्श समष्टि लिख लिया। प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, पुच आने की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि उनमें से 1 सिक्के में पुच आता है। तो हम पहला प्रश्न सरल कर रहे हैं कि हमें प्रत्येक में पुच या टेल
ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यदि उनमें से एक सिक्के में पूछा आता है टेल आता है, तो यदि हम ए को लिखें प्रत्येक में पूछाना आने की घटना, प्रत्येक में पूछाने की घटना मतलब टेल टेल टेल, यही ये जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है टी टी टी, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सेट ए की जो कार्डिनालिटी है ये एक हुई। अब उसका जो दूसरा पार्ट था कि उनमें से एक सिक्के में पूछा आता है, तो उसको हम सेट बी लेकर के चलते हैं, उनमें से एक में पूछ आता है। तो एक में पूछ कहाँ कहाँ पर है, एक तो एच एच टी, ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा है एच टी एच, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, कम से कम एक आना चाहिए ना, तो फिर ये एच टी टी ये तीसरा है, चौथा है टी एच एच, पांचवा है टी एच टी, छठवा है टी टी एच, सातवा है टी 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 टी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई सात, और ए इंटरसेक्शन बी में एक ही अवयव है ये टी 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 वाला, ये टी टी टी। तो इसका मतलब क्या कि इस सेट की जो कार्डिनालिटी है ये एक हो गई। और हमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता यदि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है, अभीष्ट प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बाई बी। और आपको पता है कि पी ऑफ ए बाई बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, और दूसरा कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने अवयव हैं, एक, एक बटे छत्तीस, और बी में कितने अवयव हैं सात, सात बटे छत्तीस, सरल कर लेंगे तो मिल जाएगा एक बटे सात। तो घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, ये पी ऑफ ए बाई बी, इसी को हम कहते हैं। और ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब प्रश्न का दूसरा भाग है कि प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है। तो ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है हम उसको एज इट इज रखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न का दूसरा भाग था कि तीन सिक्कों में पुच्छ या टेल आने की प्रायिकता यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है, पुच्छ या टेल आता है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये केस हमने सॉल्व कर लिया था कि ए ये जो होगा टी 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 होगा, इसमें एक ही अवयव है, कार्डिनालिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन। इसका जो दूसरा भाग है इसमें लिखा है कि दो सिक्कों में पुच्छ आता है, तो टेल टेल दो आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो एक तो है एच टी टी, दूसरा है टी टी एच, तीसरा है टी एच टी, चौथा है टी टी टी। तो इस तरीके से सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई चार। अब इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में जो उभयनिष्ठ है वो अवयव एक ही है टी टी टी। तो इसका मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई वन। अब पुनः पी ऑफ ए बाई बी ये हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी ऑफ बी। इसको लिखा जा सकता है कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं? एक। और ये एन ऑफ एस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यह आता है 36। एन बाई बी ये है 4 और ये है 36। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4, जो कि इस दूसरे सेगमेंट का आंसर हुआ। इसमें तीसरा प्रश्न जो है वो ये कि तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष आता है, अर्थात हेड आता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने ए कैलकुलेट कर लिया था, ये टी 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 एक ही फेवरेबल केस है, तो इस सेट की जो कार्डिनालिटी हो गई ये 1 हो गई। दूसरा बी सेट लेते हैं, कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष आना चाहिए, तो एच एच टी इसमें 2 हेड होने ही चाहिए ना, तो इसी को हम अलग अलग लोकेट करके इस तरीके से वैरायटी बना लेंगे, या इस सैंपल स्पेस से आप डायरेक्टली देख करके टिक आउट करके लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस सेट की कार्डिनालिटी हो गई 4। और इन दोनों से हम देखते हैं कि ए और बी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई 0। हमें क्या ज्ञात करना है? पी ऑफ ए बाई बी, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ये हो गया 0/b, दैट इज़ 4/36। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0। अब इसमें एक चौथा पार्ट बच गया है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 सिक्कों में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है। तो एक काम करते हैं, ये ए वाला जो केस है ये तो सेम टू सेम रहेगा, चलिए लिख लेते हैं। तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो ए दैट इज टी 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 और इसकी कार्डिनालिटी हो गई 1। अब ये बोला गया है कि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो मान करके चलते हैं कि वो केस बी है और ये एक केस होगा, दूसरा ये केस होगा, तीसरा टी टी एच होगा और चौथा टी एच टी होगा। तो एक सिक्का में शीर्ष आता है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से इसकी कार्डिनालिटी अगर हम कैलकुलेट करें 1, 2, 3, 4, ये आ गया 4। इन सब में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, ए इंटरसेक्शन बी तो ये एक ही एलिमेंट है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसकी कार्डिनालिटी हो जाएगी 1। हमें जो पूछा गया है वो है पी ऑफ ए बाई बी, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 1/36 और पी बाई बी 4/36, तो दोनों से 36 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1/4। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं।